हेलो फ्रेंड्स मैं अमित चंडीगढ़ से आज जैसा आपने देखा होगा अपडेट अगर किसी ने देखी है तो टुडे तो तो आई विल टॉक अबाउट डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री पहले बात करूंगा डी टू डी ऑस्ट्रेलिया के लिए और उसके बाद बात करूंगा डी टू डी कैनेडा तो डी टू डी के बारे में तो सभी ने सुना होगा है ना तो डी टू डी को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स uh, हैं अप्रीहेंशन हैं भ्रांतियाँ हैं या कोई ना कोई डाउट है है ना हर बंदा आप एजेंट के पास जाते हो एजेंट अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आपको बता देता है अगर उसके पास इफ ही इज डूइंग दीज डी टू डीज़ तो वो आपको ऑप्शन दे देगा अगर वो नहीं कर रहा तो बोलेगा नहीं जी ये नहीं है इसमें वीजा नहीं आता इसमें ये होता है इसमें वो होता है और जब से मैंने अपना नंबर यहाँ पे पब्लिश किया है आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया एंड आई हैव बीन एबल टू टॉक टू ऑलमोस्ट एवरी वन हर बंदे से मैंने बात की है शायद कईयों ने शाम को कॉल किया आई आवर्स ड्राइविंग तो आई टोल्ड दू कि भाई मुझे सुबह कल कॉल कर लेना तो उनमें से कुछ ने खुद ही कर ली किसी को तो मैंने कर लिया बिकॉज मेरे पास कॉल आई हुई थी तो इससे हुआ क्या इससे क्या हुआ कि जो फील कर रहे हैं जो फेस कर रहे हैं वो सारी चीजें मुझे जानने के लिए मिली क्योंकि वो थे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फाइलें कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन अप्लाई की हुई थी या वीजा अप्लाई किया हुआ था या कुछ के वीजे भी आ गए थे उसके बाद की क्वेरीज थी आ, अब कुछ आ, मैं आ, जिन्होंने क्वेरी की एक तो आ, मिस्टर थॉमस नीनान जिन्होंने मुझे ईमेल भी किया और सुबह कॉल भी किया सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा इज फ्रॉम हैदराबाद उनके बेटे के लिए एस फिफ्टी सेवन आया था जिस दिन उसकी सी यू नो प्रिजम पे यानी कि कैंसिल हो गई उसी दिन उनको एस फिफ्टी सेवन आ गया तो नेक्स्ट डे उन्होंने अपलोड कर दी तो इस क्वेरी वॉज कि हमने पोर्टल पे तो अपलोड कर दी थी क्या वो अलग से उनको ईमेल करने की जरूरत है टोल्ड नहीं है एक और उनकी अप्रीहेंशन थी कि जिनकी और S57 थी। मेरे बेटे के साथ वाले उनकी सभी का वीजा आ गया इसका नहीं आया तो आई टोल्ड टोल्ड कि सर आप चिंता मत करिए आ जाएगा बट क्योंकि इसकी कोई टैक नहीं होती और नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक जो है वो फेब्री इनटेक है उसके अभी बहुत टाइम है चलो अभी एक मैम से बात हुई सुबह सुबह उनका वीजा आ गया है और तो उन्होंने उसके बाद अपनी वो एस एस जो थी वो क्योंकि उसकी डेट चेंज होनी थी तो शी आस्किंग मी समथिंग सो so आई टोल्ड हर तो इस तरह से अलग अलग बच्चों से बात हुई लुधियाना से एक स्टूडेंट से बात हुई इज अ गुड स्टूडेंट वर्क टू गो फॉर सोशल वर्क सो वेन आई हिम कि भाई तुमने मेरे से पूछ लिया नाउ वेर विल यू गो गो टू थ्री वर्ल्ड कंपनी ठीक है सो इफ यू एल्फोबेटिकली तो मैं नाम नहीं लूंगा तो आप समझ गए क्योंकि जी वो वहां पे है मैंने कहा भाई ऐसा है अब जो मुझे सुनने में मिलता है या जो लोगों की कॉल आती है उसमें है कि ये, 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 ये आ रही हैं वहां से ऑल दो इट्स अ वेरी बिग नेम मेरा तो कॉम्पिटिशन ही नहीं है उनके साथ कोई बट समाइम कुछ चीजें हैं जो वहां से उनको बच्चों को नहीं मिल पाती पर्सनलाइज uh, सर्विस नहीं मिल पाती आ, उनको आ, उनकी क्वेरीज हैंडल नहीं होती हैंडल इन देंस हैव दैट मच ऑफ टाइम दैट यू कंपनी स्टाफ सो और एक और चीज जो मैं आपसे आई होप एम नॉट बोरिंग यू आपको बोर नहीं कर रहा एक मुझे किसी की कॉल आई उनको मैंने पता नहीं दोबारा कॉल नहीं किया शायद या किसी से नहीं दोबारा कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने उन्होंने नहीं चंडीगढ़ की उस बड़ी कंपनी की ब्रांच थी पंचकूला की थी उन्होंने बोला कि हमने जो है प्रॉपर्टी सेल की है जो कि चार महीने पहले की है तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ने जैसे हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल आजकल जीटी के लिए वो भेजती है आपकी रिक्वायरमेंट कि जी आप अपने बारह महीने की स्टेटमेंट दो ठीक है तो उन्होंने बोला जी हमारी कंडीशनल ऑफर आ, आ गई है उस पर ये चीज लिखी हुई है हाँ लड़का था वो यस तो आ, तो हमारी वो फलानी बड़ी एजेंट की काउंसिलर कह रही है जी आपकी तो जो फंड्स है सिर्फ चार महीने पुराने हैं तो बारह महीने में नहीं हो पाएगा तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ इफ यू हैव अ सोर्स ऑफ मनी ठीक है ये बहुत सारी मैं बात डी टू डी से थोड़ी हटके बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में वो चीजें आ रही है आपको कोई बारह महीने तीन महीने या चार महीने का कोई आपका टाइम लाइन नहीं है कि उतने पुराने फंड होने चाहिए अगर मैंने आज प्रॉपर्टी सेल की है आज ही जो मेरी रजिस्ट्री पे अमाउंट है मेरे अकाउंट में आ गई है और कल मेरे को जी के लिए डॉक्यूमेंट भेजने मैं भेज सकता हूं और वो एक्सेप्ट किए जाएंगे चाहे वो सिर्फ एक दिन पुराने ही है समझ रहे हैं आप क्योंकि उसका लेजिटिमेट सोर्स है लेजिटिमेट मींस लीगल सोर्स है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे थी मैंने बेची उसका एविडेंस है आपकी रजिस्ट्री कोई बयाना नहीं कोई सेल लीड नहीं रजिस्ट्री प्रॉपर रजिस्ट्री जिसके ऊपर तहसीलदार की फोटो बायर की फोटो सेलर की फोटो होती है जिसका स्टैंप पेपर हजारों में होता है अगर आपने किसी ने देखी है वो चाहिए उस पर जो एक अमाउंट लिखी होती है कि कितने में सेल हुई उतनी अमाउंट का चेक या डीडी जो है उनके सेलर के अकाउंट में आया वो स्टेटमेंट लगाई दैट इज अपना काम हो गया कोई बारह महीने की आपको यूनिवर्सिटी मांगती है डोंट वरी बारह महीने की इसलिए मांग रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई ऐसे फंड्स हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है तो बारह महीने पुराने आपके अकाउंट में पड़े हैं तो वी विल एक्सेप्ट इट बट अगर आपके पास सोर्स है तो इवन वन डे ओल्ड फंड्स आर एक्सेप्टेड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो आप किस तरह से बुद्धू मत बुद्ध इसमें मैं यह नहीं कहूंगा कि बुद्धू बता रहे थे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी तो ये uh, मैं आपसे बोलना चाहता था अब देखिए मेरी लिमिटेशन है मेरा ऑफिस सिर्फ चंडीगढ़ में ही है आई कैन नॉट एक बार मैंने दो में जलंधर ऑफिस बोला था बट मेरे पैर ही नहीं लग रहे थे लोगों ने वहां पर तो डेढ़ साल में लॉस करा के मैं वापस यही आ गया है। चलो एनीवेज डिप्लोमा टू डिग्री डिप्लोमा टू डिग्री जो है एक चीज अंडरस्टैंड करनी है आप पहले ऑस्ट्रेलिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज आपको पता है 46 टोटल उसमें से 42 जो है वो आप टॉप की यूनिवर्सिटीज ले लीजिए अगर उन्ही यूनिवर्सिटीज का कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री का ऑप्शन दे रहा है यू कैन गो अहेड विद दैट ठीक है आई एम नॉट सेइंग कि कोई स्टैंड लोन कॉलेज पता नहीं कहाँ है कोई प्राइवेट कॉलेज है जिसका यूनिवर्सिटी के साथ मतलब उस यूनिवर्सिटी के ऐसे दस कॉलेजों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी उनमें से दस में से एक है तो प्रॉबेबली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बट येस अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का खास कॉलेज है और इन 99% परसेंट केसेस में जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा वही कॉलेज का नाम होगा अब जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे पास यहां पे खुला हुआ है आप भी अगर खोलोगे तो देखोगे हम आप इस पर लगा देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज इसको बोलते हैं यू यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के कैंपस में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का ही कॉलेज है अब पंजाब हरियाणा के जैसे पहले तो अब तो ले रहे हैं खैर तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्ट एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में बट जाना चाहते हैं क्यों क्योंकि लेवल वन है ऑस्ट्रेलियन नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी नेशनल तो उसको रीजनल के पॉइंट्स मिलते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू यू मैनी लेवल वन है अगर वो आपको अभी भी इम्पैक्ट करता है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एंड यू विल हैव अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट ईयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा बैचलर डिग्री एग्जाम्पल लेते हैं अब ये आपने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा कॉलेज की वेबसाइट खोल ली लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ गए यूसी कॉलेज कोर्सेस इस पे क्लिक कर दिया आ, अच्छा इस पे एक मिनट उसके बाद नीचे आ गए कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स में आप जाओगे तो यूसी डिप्लोमाज एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन स्टडी प्रोग्राम्स है डिप्लोमाज में वो बच्चा जाएगा जिसके 55 परसेंट से 65 परसेंट नंबर है तो जो डायरेक्ट बैचलर के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा है सो ही और शी विल गो इन यूसी डिप्लोमास कोई बच्चा जिसने इलेवेंथ की हुई है या कोई बच्चा जिसके 50 और 55 के बीच में है ही और शी वुड गो फॉर इंटरनेशनल फाउंडेशन स्टडीज यहां पे उसको एक साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो टोटल ड्यूरेशन वुड बी फोर ईयर इफ यू गो फॉर अ फाउंडेशन प्लस बैचलर डिग्री इन एनी ऑफ दी डी टू डी कोर्सिस बट मेजोरिटी कोर्सेज में क्या है जो डी टू डी प्रोग्राम है जिसमें आपने सीधा डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जाना तो टोटल उसकी ड्यूरेशन तीन साल ही है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा जो आप पढ़ोगे दैट इज द सेम स्टडी विच इज बिंग टॉट टू स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर First year of bachelor's in the same university. The curriculum will be same. The delivery will be same. The professors who uh, are teaching will be same. The only difference is you are accepted at a low academic score plus the class size of that diploma would be only 20 to 25 students. Whereas,

पचपन और पैंसठ के बीच वाला स्टूडेंट है उसके लिए अलग से क्लास एक सेक्शन बनाया है जहां पे पचास की जगह बीस स्टूडेंट पढ़ेंगे सेम प्रोफेसर वन टू वन इंटरेक्शन होगी उसको धीरे धीरे उस लेवल पे लाया जाएगा एक साल में ताकि नेक्स्ट ईयर वो उन्ही बच्चों के साथ उसी पचास की क्लास में सेकेंड ईयर ऑफ देयर डिग्री में बैठ सके बड़ा ही इजी ट्रांजिशन है और टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री विल बी थ्री इयर्स जैसे कि डायरेक्ट जो जा रहे हैं उनके लिए डिग्री सर्टिफिकेट विच इज द डिग्री एक्चुअली विच यू गेट ऑन ग्रेजुएशन डे इट विल बी बैचलर ऑफ सो एंड सो देर विल नॉट बी रिटर्न एनी वेयर इन दैट डिग्री दैट यू वेंट फॉर डिप्लोमा एंड देन यू ग्रेजुएट टू डिग्री नो सो डिग्री सभी की सेम होगी आपकी डिग्री कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होगा कि आप पहले डिप्लोमा में आए थे फिर आपने डिग्री किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के कौन कौन सी डिप्लोमास हैं और वो किस किस डिग्री को लीड करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दो तीन की दूंगा उसके बाद आप बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप उस पर जा सकते हो अब इसमें हम बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ हेल्थ डिप्लोमा जो है वे पांचवें नंबर पे है मैं पहले हेल्थ पे इसलिए जा रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट नर्सिंग वाले आ रहे हैं ठीक है अच्छा एक और चीज आपको बहुत सारों को तो अगर पता चल गया क्योंकि अब तो आप एक वैसे ही बड़े एक्सपर्ट हो गए हो बड़े बहुत सारे एजेंट्स को मिल लिए हो वीडियोज देखते हो और इंटरनेट सर्व करते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि ट्वाइस अ ईयर यानी कि दो इनटेक्स नर्सिंग के चलाती है उसमें से कैनबरा है कर्टन यूनिवर्सिटी है ठीक है तो अब इसमें डिप्लोमा ऑफ हेल्थ लीड्स टू मेनी बैचलर्स बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस ह्यूमन मूवमेंट बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस न्यूट्रिशन स्टडीज बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस साइकोलॉजी इसमें नर्सिंग का बैच नर्सिंग का पाथवे नहीं है नर्सिंग के लिए आपको डायरेक्टली ही क्वालिफाई करना पड़ेगा ठीक है अब इसके अलावा हम और देख लेते हैं इसमें कौन सा है ऑप्शन इसमें नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें दैट इज डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसओ लिस्ट में भी आता है जो आ, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है विच लीड्स फॉर द लॉन्गर स्टे ठीक है तो अब इसमें कौन कौन सी बैचलर डिग्रीज है ओके okay. तो डिप्लोमा ऑफ आईटी लीड्स टू तो थ्री डिग्री ऑप्शंस फर्स्ट ईयर आपने सेम करिकुलम पढ़ना है क्योंकि डिग्री में भी फर्स्ट ईयर का करिकुलम आपका सेम ही होगा तो सेकंड ईयर में यू कैन चूज बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेटिक इंफॉर्मेटिक्स ठीक है okay. तो इसी तरह से अगर आप ग्रिफिथ कॉलेज की खोलोगे ग्रिफिथ कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिप्लोमा के बाद डिग्री के अब अगर आप खोल रहे हो तो इसमें नजर आ रहा है डिप्लोमा डिप्लोमा इन बिजनेस डिप्लोमा इन आ, देन लीड्स टू तो बैचलर ऑफ बिजनेस बैचलर ऑफ कॉमर्स सो एंड सो उसमें आप नीचे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम डिप्लोमा इन डिजाइन डिप्लोमा इन एजुकेशनल स्टडीज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग

सोशल एंड साइकोलॉजिकल साइंस यू कैन गो टू सोशल वर्कनीग् ह्यूमन कागनीशन एंड बिहेवियर इंटरप्रिप्स सोशल सिस्टम तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री जाओगे एक तो बेनिफिट यह हो गया कि इवन इफ यू हैव लोअर मार्क्स स्टिल यू कैन गेट एडमिशन इन दीज प्रस्टीजियस यूनिवर्सिटीज दूसरा फर्स्ट ईयर में अगर आप मान लो आपने डिप्लोमा ऑफ आईटी ले लिया आपको एक साल के अंदर ही वहां रह के पता चल जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में है या नेटवर्किंग में है या इंफॉर्मेशन सिस्टम में है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन चूज माई डिग्री इन सेकेंड ईयर बजाय इसके मैं पहले से ही चूज करके जाऊं ठीक है अब जैसे इसमें डिप्लोमा ऑफ हेल्थ केयर है इसमें आपके पास तीन चार ऑप्शंस हैं यू कैन चूज लिट रॉन उसके बाद आपका क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं नाउ लेट मी जस्ट चेक कि क्या क्या ऑप्शंस है इसमें अब जैसे हम बात कर रहे थे डिप्लोमा ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस इन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी दिस लीड्स टू कौन कौन सी डिग्रीज आएंगी इसमें डिप्लोमा ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस फ्रॉम ग्रिफे यूनिवर्सिटी यू कुड स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स वन ऑफ दीज करियर्स ये करियर इन्होंने लिखे हुए अगर आप देखोगे कस्टम्स इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल जस्टिस सिक्योरिटी कंसल्टिंग स्टेट और फेडरल पुलिस कम्युनिटी करेक्शन लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजिक एंड क्राइम असैसमेंट ठीक है बैचलर डिग्रीज इसमें तीन है जिसमें से ये सारे आप इनमें से कोई भी करियर आप चूज कर सकते हो बैचलर ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स प्लस बैचल ऑफ क्रिमिनल ये क्रिमिनोल डिग्री है थर्ड बैचलर ऑफ लॉ ऑनर्स तो ये सारे प्रोग्राम आप डिप्लोमा लीडिंग टू तो डिग्री में चूज कर सकते हो देन एक और मैंने ऑप्शन लिया कर्टन कॉलेज लीडिंग टू कर्टन यूनिवर्सिटी अब इसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं इसमें भी आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन विच इज इन ह्यूज डिमांड नीड्स टू लॉन्ग स्टे कॉमर्स कॉमर्स में आपके पास आ जाएगा बिजनेस आपके पास आ जाएगी अकाउंटिंग आपके पास आ जाएगी ऑडिटिंग आपके पास आ जाएगी और सारे देन कम्युनिकेशन डिजाइन एंड आर्ट्स कम्युनिकेशन डिजाइन एंड आर्ट्स के बारे में बहुत सारे एजेंट बात नहीं करते हैं तो हम अब अब, अब देखेंगे कर्टन कॉलेज में कम्युनिकेशन डिजाइन एंड आर्ट्स एक और स्टोरी बताऊंगा इसके बाद कर्टन कॉलेज की इसमें फोटो अगर आप देख रहे हो फोटो लगी हुई है बंदा कैमरा मैन है प्रोफेशनल कैमरा मैन क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए प्रोग्राम है इसमें क्या क्या आप कर सकते हो आपके डिग्री का नाम होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड दैट विल लीड टू एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी क्रिएटिव राइटिंग डिजिटल एंड सोशल मीडिया इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज प्रोफेशनल राइटिंग एंड पब्लिशिंग सेकेंड डिग्री इन द सेम डिप्लोमा यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया स्पेशलाइजेशन डिजाइन और बिजनेस स्पेशलाइजेशन तीसरी बैचलर ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स चौथी बैचलर ऑफ डिजाइन पांचवी अच्छा ये तो करियर हो गए बैचलर ऑफ डिजाइन में एनिमेशन एंड ड्रीम डिजाइन एडवर्टाइजिंग डिजाइन ये कोर्सेज हैं जो कि क्रिएटिव कोर्सेज हैं अगर आप इनमें जाते हो तो आपके पास एक जेनुअन you एक्सप्लेनेशन know, uh, है कि भाई मैं ये जो ग्राफिक डिजाइन है एनिमेशन एंड गेम डिजाइन है इसके कॉलेज इंडिया में इतने ज्यादा नहीं है ये इतनी ज्यादा एडवांस यूनिवर्सिटीज नहीं है जहां पर ये इक्विपमेंट्स पढ़े हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज के पास है सो यू प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन योर एप्लीकेशन की भाई मेरे को वीजा दो मैं ये पढ़ने जा रहा हूं जिसका मेरे देश में या कहीं भी आके भी बहुत अच्छा स्कोप है सो दैट इज अ राइट डिसीजन ठीक है सो so, ये मैंने तीन लिए इसके बाद आप यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया का अवेलेबल है कोवन यूनिवर्सिटी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी है सो दीज आर दी अच्छा कर्टन कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट ने मेरे को नाम नहीं याद आ रहा परसों चौथ उसने एप्लीकेशन अप्लाई करी हमारे पास सो हमारी काउंसलर ने मेरे ख्याल तीन बजे वो एप्लीकेशन डाली शाम को साढ़े छः सात बजे ऑफर रिलीज हो गई ऑफर नहीं उससे पहले हो गई तो हमारी काउंसलर ने ऑफर जो है वो स्टूडेंट को भेज दिया अब स्टूडेंट को लगा कि साला आज ही तो मैंने एप्लीकेशन डाली है ये आज ही कैसे ऑफर आ गई डिप्लोमा टू डिग्री की कर्टन कॉलेज की तो उसने क्या करा अब बात करी होगी कि भाई फ्रॉड बड़ा चल रहा है आजकल एजेंट नकली है ऑफर लेटर छाप के दे रहे हैं बंदों को बसाने के लिए तो व्हाट शी डिट वॉज उसी ऑफर लेटर जो हमारे यहाँ से गई थी उसके पास ऑफिस से उसने कर्टन कॉलेज की एडमिशन ई मेल आई डी पे मेल डाली उसमें लिखा कि मैम काइंडली कंफर्म इजन ऑफर लेटर माई इनबॉक्सन कॉलेज की एडमिशन टीम से उसको गया, जिसमें हमें भी सी सी किया गया यस दिस इज अनुअन ऑफर लेटर एंड यू आर ओके टू गो एड विद जुपिटर कंसल्टेंट्स फॉर दिस एडमिशन तो वो हैरान हो गई और बड़ी खुश हुई कि सर लोगों को अप्लाई किए हुए महीने हो जाते हैं कई बार उनको ऑफर तक रिसीव नहीं होती मेरी तो सेम डे ही आपने ऑफर मंगा दी सो शी वॉज सो एंड शी टोल्ड दिस टू ऑल फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स तो भाई ये बेनिफिट्स डी टू डी में भी है और चूजिंग दी राइट कंसल्टेंट भी है तो डी टू डी में बिल्कुल भी वीजा का पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है देखो अगर वीजा तो अगर ये हो कि एम्बेसी वीजा ही नहीं देगी डी टू डी प्रोग्राम को तो यूनिवर्सिटीज वुड नॉट प्रमोट दीज प्रोग्राम इनको प्रमोट प्रोग्राम को प्रमोट ही ना करती यूनिवर्सिटीज क्योंकि अभी तो खैर अगले साल तो रिस्क रेटिंग खत्म ही कर दी गई है बट अभी तक तो, तो थी ना तो अगर ये पता है यूनिवर्सिटी को कि भाई अगर मैं डी टू डी में ऑप्शन दूंगा या दूंगी तो मेरे तो चांसेस वीजा लगने के बहुत कम है और अगर वीजा लगने के चांसेस कम है सो वाई शुड आई गिव ऑफर इन डी टू डी क्योंकि सी ही तो आपको दो सीओ आएंगी एक आएगी डिप्लोमा एक आएगी बैचलर की फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी सो इफ एप्लीकेशन सो यूनिवर्सिटी दूनिवर्सिटीलाइज क्योंकि कॉलेज तो यूनिवर्सिटी का ही है तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये डाउट क्रिएट किया जा रहा है इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है रिफ्यूजल बैचलर्स या मास्टर्स डायरेक्ट भी आती हैं तो रिफ्यूजल आना डज नॉट इंडिकेट दैट दिस रिफ्यूजल और कोई भी रिफ्यूजल अगर इसी की आई है कि देट हैज कम ओनली बिकॉज स्टूडेंट अप्लाइड फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ठीक है तो ये डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता था मैंने कहा आपको ये क्लैरिटी दे दूं अच्छा अब बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मैं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ एज ए स्टूडेंट जो कि स्टेट मोड को एक्सेप्ट नहीं करते अब क्या करें जाना तो वही है उसी शहर में जाना उसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपके पास ऑप्शन है जितने भी डिप्लोमा टू तो डिग्री वाले ऑप्शन है एवरी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट स्टेट मोड स्टूडेंट्स सो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर अप्लाइंग इन टू पाथवे अब एक मैं वीडियो और बनाऊंगा आने वाले टाइम में जो कि कैनेडा की टॉप की यूनिवर्सिटीज जो डी टू डी में हम डील करते हैं उनके ऊपर और उसमें स्पेशली मैं बच्चों के टेस्ट जो उन्होंने बच्चों ने वहां से शूट करके कनाडा से दिए वो भी दिखाऊंगा हो सकता है आपका इंटरेस्ट कनाडा नहीं है बट तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा कि एज ए रेफरेंस पॉइंट कि दीज पाथवे प्रो, प्रोग्राम्स आर सो हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट अब अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है यूनिवर्सिटी साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है कितने बच्चे हैं जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है बहुत कम क्योंकि कॉम्पिटन बहुत ज्यादा है बट थ्रू these पाथवे प्रोग्राम्स वी कैन गेट यू एडमिशन इन जस्ट वन वीक ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ लेथ ब्रिज और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है मेरे पास अभी नाम नहीं है तो मैं जब भी ये वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला आपका मेन एम अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेटोवा में बैचलर्स करता है तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज दैट यूनिवर्सिटी रैंक अमंग टॉप हंड्रेड टू हंड्रेड यूनिवर्सिटीज और आपका करियर सिक्योर होना ही होना है कैनेडा में चाहे जो भी हो रिसेशन हो या जो भी हो स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटो विल्फर्ड लॉरियल यूनिवर्सिटी देन यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज दीज स्टूडेंट्स हैव ब्राइट करियर्स चाहे वहां की गवर्नमेंट की क्या ही पॉलिसीज हो कल की तरह मैं फिर बोल रहा हूँ करियर शुड बी दी मेन एम बाकी रेजिडेंसी वेजिडेंसी सब मिले कोई जवाब नहीं देगा अगर मैं अपने स्टैंड पे स्ट्रॉन्ग खड़ा हूं ना एज ए स्टूडेंट तो मुझे किसी चीज के बारे में परेशान होने की डरने की जरूरत नहीं है तो उम्मीद है ये वीडियो कुछ दिबाग की बत्ती जलाएगी और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे अगर नहीं हुए मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में लिखिए कॉल करिए Ballah has it? Thank you.